गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। कांगड़ा के गोलवा में हड़कंप, कोरोना के शिकार को भेजा बैजनाथ। कोरोना की जांच के लिए फिर भेजे सरकाघाट की महिला के सैंपल, बेटे को खोने के बाद मां का भी बुरा हाल। राहत की बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी के साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना की टेंशन के बीच स्कूलों में एडमिशन का आगाज, मास्क और सैनिटाइजर का रखें खास ख्याल। मछली पकड़ने निकला मछुआरा पोंग में डूबा, पानी में तैरती मिली लाश। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा के फतेहपुर उपमंडल के गोलवा के कोरोना संक्रमित युवक से सनसनी फैल गई। शनिवार सुबह एम्बुलेंस के जरिए युवक को बैजनाथ के लिए ले जाया गया है। पंचायत के वार्ड 4 को सुरक्षा मद्देनजर सील कर दिया है। रहन के साथ लगते गोलवा गांव का कोरोना पॉजिटिव 22 साल का युवक अपने पिता के साथ टैक्सी से 8 मई को दिल्ली से घर आया था और होम क्वारंटीन था। घर में उसकी बहन और माता भी हैं। कोरोना पॉजिटिव युवक को इलाज के लिए कोविड-19 टीम द्वारा बैजनाथ भेजा गया है। बीएमओ फतेहपुर डॉक्टर रंजन मेहता ने बताया कि युवक के परिवार के सदस्यों को टेस्ट के लिए कांगड़ा ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि युवक सहित उसका परिवार होम क्वारंटीन किया गया था और उसके घर पर कोई भी नहीं गया है और ना ही उक्त परिवार के सदस्य बाहर गए हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मंडी के गौर क्षेत्र के कोविड अभिलाषी आयुर्वेदिक अस्पताल में क्वारंटीन चल रही सरकाघाट की पॉजिटिव महिला की शुक्रवार को दूसरी रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अभिलाषी अस्पताल नौगांव पहुंचकर पॉजिटिव महिला का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक भेज दिया है। बता दें, अभिलाषी अस्पताल में क्वारंटीन की गई ये वह महिला है जिसके 21 साल के बेटे की पिछले हफ्ते IGMC शिमला में कोरोना के कारण मौत हो गई थी। बाद में जांच में ये महिला भी कोरोना पीड़ित पाई गई थी। बेटे को खोने के बाद महिला सदमे में है, अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना के कहर से सहमे कांगड़ा के पंचरुखी और आसपास के इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है। कोरोना पॉजिटिव पंचरुखी थाने के हेड कांस्टेबल के संपर्क में आए उसके सभी सहयोगियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पंचरुखी ने शनिवार को सुकून की सांस ली है। शनिवार को सहमे लोगों ने बाजार की ओर रुख तक नहीं किया। हालांकि शहर में गाड़ियों की आवाजाही रही, पर खरीदारी के लिए इक्का दुक्का ही लोग पहुंचे। जो बता दें कि पंचरुखी में कोरोना की दहशत इस कदर है कि लोग खुद ही मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी अपनाकर बाजार पहुंच रहे हैं। उधर कस्बे के सील्ड बाड़ के लोग बाहर नहीं निकले, सेक्टर मजिस्ट्रेट बाड़ को सैनिटाइज करवा रहे हैं और लोगों को राशन, सब्जी, दूध और दवाइयां घरों पर ही मुहैया करवाई जा रही हैं। कोरोना संकट के बीच जिला कुल्लू के नौनिहालों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रवेश को लेकर स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। लिहाजा जो बच्चे अभी तक स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाए हैं, वे अब एडमिशन ले सकेंगे। जिला कुल्लू के भुंतर स्कूल के प्रबंधकों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। ये समिति प्रवेश प्रक्रिया के अलावा स्कूल में आने वाले बच्चों का भी ध्यान रखेगी और मास्क, सैनिटाइजर आदि के इंतजाम भी करेगी। प्रबंधकों के अनुसार 6ठी, 9वीं, जमा 1 की कक्षाओं में हर साल नए बच्चे प्रवेश लेते हैं। प्रबंधन के अनुसार बड़ी कक्षाओं के बच्चे स्कूल में आ सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं। इस दौरान उन्हें मास्क लगाना जरूरी किया गया है, साथ ही उनके हाथों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा छोटे बच्चों का दाखिला उनके अभिभावक करवा सकते हैं। सभी अभिभावक स्कूल में आकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। मैं प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुंतर। हमारे विद्यालय में ऑनलाइन हमने पहले भी एडमिशन की थी और अब ऑफलाइन भी जो बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं उनको हमने ऑफलाइन एडमिशन के लिए भी इन्वाइट किया है और हमने कमेटियाँ पूरे स्कूल की बनाई है, सैनिटाइज किया हुआ है और साथ में हमने सबको प्रिकॉशंस दी हुई हैं कि जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट की है कोविड-19 की, उसके हिसाब से हैंड वॉश,
और सैनिटाइजर वगैरह और फेस मास्क के साथ बच्चे आ रहे हैं। जो छोटे बच्चे स्कूल आते हैं उनके पेरेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं, जो बच्चे नहीं आते हैं उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, और हमारी एडमिशनें यहाँ पर बड़े जोरों शोरों से चली, और मेरे अध्यापक प्राध्यापक पूरी एडमिशनें करवा रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि हमारे विद्यालय में एडमिशन ले लें जो 16 से पहले पहले कम्प्लीट हो जानी चाहिए। कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर के तहत पोंग डैम में डूबने से एक मछुआरे की मौत हो गई। शनिवार सुबह डैम में डूबे मछुआरे की तैरती हुई लाश मिलने से यहां पर सनसनी फैल गई। मछुआरे की पहचान रमेश उर्फ गुड्डू निवासी जगनोली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रमेश अपने साथी के साथ पोंग में मछली पकड़ने के लिए जाल डालने निकला था। जाल डालते वक्त हवा चलने से उसकी किश्ती पानी की लहरों से समाने लगी, तो तुरंत साथी ने किश्ती को संभालते हुए किनारे तक पहुंचाया। किनारे पर आकर देखा तो रमेश किश्ती में नहीं था। किनारे पहुंचे मछुआरे ने साथी को किश्ती में ना देख जोर जोर से शोर मचाया। शोर सुनकर लोग एकत्रित हो गए और मछुआरे को ढूंढने का प्रयास करते रहे, पर उसका कोई पता नहीं चला। शनिवार को मछुआरे की लाश मिलने से यहां पर सनसनी फैल गई। SHO फतेहपुर सुरेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।